और यहाँ पर गाइस आज मैं स्पेशल वीडियो लेकर आया हूँ। आज की जो स्पेशल वीडियो है वो पैच नोट के ऊपर है, और आप में से कई लोगों ने तो पैच नोट देख भी लिया होगा। और एक बात यहाँ पर मैं पॉइंट भी कर रहा हूँ कि मैंने आज तक जितने भी अपडेट देखे थे भाई साहब, उनकी तो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट आया करती थी। इसमें तो बहुत ही ज़्यादा कम लिस्ट आई है मेरे पास, मतलब कि पैच नोट बहुत ही ज़्यादा कम था इस बार का। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर ये फरवरी का पैच नोट इतना ज़्यादा कम है तो हो सकता है मार्च में कुछ ना कुछ होगा, ऐसा मुझे लग रहा है। सरप्राइज होने वाला है कुछ ना कुछ। अगर आपको नहीं पता क्या होने वाला है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दूंगा, वो वीडियो ज़रूर देखना। चलिए आज की हमारी वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो गाइस आपको पता होगा कि 13.1 का पैच नोट आ चुका है, और यहाँ पर जो हमारा अपडेट आएगा फरवरी में 23 तारीख को कन्फर्म हमारा अपडेट आएगा। जी हाँ गाइस, 23 तारीख को हमारा अपडेट आने वाला है, और इस अपडेट में कई सारे ऑप्टिमाइजेशन हुए हैं। अगर यहाँ पर बात करें सबसे पहले ऑप्टिमाइजेशन की, तो यहाँ पर डिवाइस की कंपेबिलिटी के ऊपर यहाँ पर बहुत सारा ऑप्टिमाइजेशन हुआ है। एक भाई ने मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज भी किया था कि भाई अजय भाई ये देखो मेरे ये एरर शो कर रहा है। एक्चुअली में उसके पास था वीवो का Y21 या 12, है ना, तो ऐसा कुछ फ़ोन था, उसके ऊपर सपोर्ट नहीं कर रहा था उसके ऊपर वो गेम अपना Fallout 84। तो उसके बाद मैंने डेवलपर्स को भी भेजा। इसके बाद देखो यहाँ पर हमारे पास ये जो लिस्ट है ना, उसमें उस डिवाइस का भी नाम है, Vivo 1820, Vivo 1904, सैमसंग के भी कुछ डिवाइस हैं, रेडमी का भी कुछ डिवाइस हैं। इनके लिए यहाँ पर जो हमारा Fallout 84 गेम है पूरी तरह कम्फर्टेबल हो जाएगा 13.1 के अपडेट में। और इसके साथ ही यहाँ पर UI में भी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमाइजेशन हुआ है। कई बार ऐसा होता था कि UI में हमें लैग देखने को मिलता था UI में भी, तो उससे भी यहाँ पर थोड़ा ऑप्टिमाइज कर दिया गया है, है ना। मैप लोडिंग करते समय फ्रीज हो जाता था हमारा गेम, जब हम गेम में उतरते थे, एक दो वेपन लूटते थे, मैप भी लोड होता था हल्का हल्का, तो उस टाइम में भाई एकदम से फ्रेम स्टॉप ही हो जाता था, ऐसा लगता था कि स्क्रीनशॉट ले लियो, है ना। उस बग को भी यहाँ पर अच्छे तरह से ठीक कर दिया गया है इस पैच नोट के अनुसार, है ना। गाइस यहाँ पर कैप्सुलर्स के ऊपर भी बहुत सारे ऑप्टिमाइजेशन हुए हैं, बहुत सारे नहीं हुए, एक ऑप्टिमाइजेशन हुआ है, वो ये हुआ है जब हम रिलोड करते थे वेपन को तो उसके विजुअल इफेक्ट्स को यहाँ पर उसे भी इम्प्रूव कर दिया गया है, उसे भी इन्हेंस कर दिया गया है। जब गन रिलोड करता था उस टाइम पे एक गेस्चर आता था, उसे ऑप्टिमाइज कर दिया गया है। इसके साथ ही यहाँ पर भाषा में भी कई सारे ऑप्टिमाइजेशन हुए हैं, तो यहाँ पर भाषा जो भी लैंग्वेज होती है उनके फॉन्ट्स को ऑप्टिमाइज कर दिया गया है, जिससे कि थोड़ा देखने में हमें आसानी हो। और इसके साथ ही यहाँ पर चीनी लैंग्वेज को भी रिमूव किया है, टेम्प्रेरी रिमूव किया है चीनी लैंग्वेज को, और इसके साथ ही इंग्लिश, हिंदी, इंडोनेशिया और पुर्तगाली लैंग्वेज को रखा गया है। और यहाँ पर एक मेन अपडेट ये है कि लूटते समय हमें डिले होता था, हमारा करेक्टर भाई आइटम ही नहीं उठाता था, उसे यहाँ पर ऑप्टिमाइज कर दिया गया है, 0.5 सेकंड का एडजस्ट कर दिया है, जिससे कि हमारा जो करेक्टर है वो आइटम जल्दी जल्दी उठाएगा। और भी कई तरह के बग्स को यहाँ पर ठीक किया गया है इसमें, ये अपडेट मेन मैंने पढ़ दिए हैं, और तो मेरे को कुछ खास नहीं लगा। अब देखते हैं 13.1 के इस अपडेट में जब हमें मिलेगा वो, तो उसके अंदर हमें क्या क्या देखने को मिलेगा। यही था आज की इस वीडियो में, होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक करें, 300 का हमारा लाइक है। मैं पहली बार आया हूँ हमारे चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करें जो कि Fallout 84 खेलते हैं।